हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक्जिमा के लिए। एक्जिमा एक काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो काफ़ी इनफैक्ट सभी लोग जानते हैं क्या है। स्किन रैश होता है, ऊजिंग रहता है, क्रस्टिंग होती है और ये काफ़ी हद तक एलर्जी से रिलेटेड है। जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है इसका, मॉइस्चराइजर या स्टीरॉयड ट्रीटमेंट, ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव है इसको सप्रेस करने में या इनफेक्ट इवन ट्रीट करने में, लेकिन काफ़ी लोगों में ये बार बार रिकर होते जाता है। ऐसे सिचुएशन में आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इसके लिए काफ़ी उपयोगी है और ओरल मेडिकेशन जो है, ज़्यादा करके रक्त शुद्धि जिसको बोलते हैं, इस तरह से की जाती है ओरल मेडिकेशन में। और ओरल मेडिसिन के साथ साथ कुछ पंचकर्म ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जिसके अंदर विरेचन है, रक्त मोक्षण है और बस्ती जैसे ट्रीटमेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स में वमन जैसे ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से एक्जिमा को कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। कभी कभी सिर्फ ओरल मेडिकेशन और रक्त मोक्षण एक बार भी अगर किया जाए और उसके साथ थोड़े 3-4 महीने ट्रीटमेंट किया जाए ओरल मेडिकेशन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो बहुत साल से बीमार, कम से कम 10-12-15 साल से जो पेशेंट्स बीमार थे, ऐसे पेशेंट्स भी पूरे अच्छे हो गए हैं। तो एक्जिमा का इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट काफ़ी उपयोगी है और इसका सब लोग लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।